good morning students today we are discussing about the class 9 chapter number 8 motion okay this chapter is very important for the other chapter because all this chapter are based on the this chapter okay and the 9th uh, class physics will start from this uh, from the motion yeah this chapter okay तो आगे के जो चैप्टर से उनके लिए हमें मोशन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो आगे जो भी टर्म ये जो भी चीज़ें बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज होगी उसमें इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ठीक है यदि आपको इस चैप्टर की टर्म समझ में नहीं आई तो आप आगे के चैप्टर्स को ना तो उनके न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे ना उसको सोल्व कर पाओगे ठीक है तो लेटेस्ट स्टार्ट

कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है पोजीशन uh, चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तब भी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि दैट इज ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ओके तो अस कंसीडर अस एक्सप्लेन बाय द लेट अस कंसीडर दैट इज रेफरेंस पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट इज स्टैंड हियर इफ दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स पोजिशन विध रिस्पेक्ट टू द टाइम दैट मीन्स इफ टी बराबर जीरो ऑब्जेक्ट इज एट ए माना के ऑब्जेक्ट क्या है ए पे टी बराबर वन टी बराबर टू टी बराबर थ्री सेकेंड फोर सेकंड फाइव सेकंड पे भी ये ऑब्जेक्ट इसी पोजिशन पे तो देट मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ रेस्ट कंडीशन में हुआ ऑब्जेक्ट क्या हुआ रेस्ट कंडीशन में और यदि मैं अब t बराबर जीरो टी बराबर वन टी बराबर टू टी बराबर थ्री सेकेंड पे ये पोजीशन कंटिन्यू अपनी क्या कर रहा है पोजीशन को चेंज कर रहा है इस तरीके से मतलब t बराबर जीरो सेकेंड पे कहाँ था ए पॉइंट पे वन पे बी पे आ गया सी पे डी पे तो देट मीन्स ये कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है देट मीन्स ये ऑब्जेक्ट मोशन में और यदि ऑब्जेक्ट टी बराबर जीरो सेकेंड पे टी बराबर वन सेकेंड पे टी बराबर टू सेकेंड पे भी पोजिशन पे दैट मीन ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में और यदि टाइम के अकॉर्डिंग विद द टाइम ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में तो दोनों टर्म समझ में आई कि ऑब्जेक्ट कब मोशन में होगा और कब यदि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में और टाइम के रिस्पेक्ट में यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो दैट मीन्स पोजीशन दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या होगा रेस्ट कंडीशन में होगा ओके okay. तो ये तो हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हम इसको रेफरेंस पॉइंट के लेटेस्ट कंसिडर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया ठीक है अब इसके रिस्पेक्ट में देखो यदि ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो क्या होगा देखो किसी मतलब किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट ए पे है देन आफ्टर बी सी दैट मीन्स ये रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही है चेंज हो रही है पहले यहाँ था आफ्टर इट ये मतलब पोजीशन चेंज होती जा रही है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में और यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो दैट मीन्स ये यहीं पर रहेगा ठीक है इसकी पोजिशन चेंज नहीं होगी इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जैसा कि आप ग्राफ में देखते हैं दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो दोनों दोनों केस में या दोनों के थ्रू हम इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं तो इफ तो क्या हो गया मोशन ओके किसका बॉडी का मोशन और चेंज नहीं इफ और चेंज यदि टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजिशन चेंज नहीं हो रही या रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन चेंज ऑब्जेक्ट क्या है में, okay? तो main point आपको ये समझना है है, और rest position क्या होता अब इस चीज को समझने के लिए हमें motion को समझने के लिए हमें किन किन फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे ओके okay? तो फर्स्टली फिजिकल क्वांटिटी तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है फिजिकल क्वांटिटी आर द टू टाइम्स टू टाइप फर्स्ट वेक्टर क्वान्टिटी सेकेंड स्केलर क्वान्टिटी ठीक है फर्स्टली वॉट इज द फिजिकल क्वान्टिटी तो देट क्वान्टिटी क्वान्टिटी देट कैन बी मेजर ऐसी क्वान्टिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होगी फिजिकल क्वान्टिटी और फिजिकल क्वान्टिटी जैसे uh, अब फिजिकल क्वान्टिटी कौन सी होगी जैसे टाइम वेलोसिटी फोर्स जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं डेट देट कैन बी मेजर दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं तो वो सारी क्या होगी फिज और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मोशन को स्टडी के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी वो सब डिसप्लेसमेंट डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सलेशन ओके एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन ये सारी फिजिकल क्वान्टिटी की यूज हम मोशन को समझने के लिए स्टडी करेंगे ओके okay? तो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आई एनी तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर जिसको हम मेजर ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और ये देर आर द टू टाइप्स फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी सेकेंड होती है स्केलर क्वांटिटी अब वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है तो क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता क्या है देखो लेटेस्ट कंसिडर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फाइव किलोमीटर चला तो दैट मीन फाइव जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी इसकी मैग्नीट्यूड ठीक है ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड अब किस डायरेक्शन में चला लेटेस्ट कंसिडर ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में चला तो दैट मीन ये क्या होगी डायरेक्शन तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी और ओनली जो क्या कौन क्या रखता है ओनली ओनली बस मैग्नीट्यूड रखता है क्वांटिटी क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर अब समझना ओके okay, ये चीजें समझ में आई अब हम बात करते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस होती क्या डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाय अ बॉडी मतलब uh, जो भी बॉडी लेटेस्ट कंसीडर पॉइंट ए टू पॉइंट बी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में जो डिस्टेंस जो पार ट्रेवल करती है उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती लेटेस्ट कवर की फाइव मीटर की लेंथ कवर की, की तो दैट मींस जो एक्चुअल लेंथ होगी इसी को हम क्या बोलेंगे इसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस ओके okay? अब डिस्प्लेसमेंट अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है डिस्प्लेसमेंट तो होता है जो दो पॉइंट होते हैं उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस या दो पॉइंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो डिस्टेंस अब इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू ठीक है लेट अस कंसीडर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि जीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है ए तक आता है इसकी डिस्टेंस कितनी है सिक्सटी किलोमीटर दैट मीन्स अब मैं बोलूँ कि कितनी डिस्टेंस कवर की मतलब तो डिस्टेंस क्या होती है मतलब इस ऑब्जेक्ट ने कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया मतलब उस पाथ की लेंथ क्या है वो क्या होगी इसकी डिस्टेंस तो देट मीन्स कितना सिक्सटी किलोमीटर एक्चुअल पाथ अब मैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है displacement क्या होता है? Displacement होता है है uh, और और अब देखो initial point जीरो और final point A. A से से तक तक या sorry, जीरो से A तक, जो किलोमीटर और, और यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो भी कितना होगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या हो गया इसका ये और फाइनल पॉइंट क्या हो गया ए ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया किलोमीटर बिकॉज़ दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? किलोमीटर अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया ये कहाँ पे आया ए से बी तक आ गया क्या आ गया पहले तो कहां से आया जीरो से ए तक आया देन आफ्टर ए से कहा तक आ गया बी तक आ गया तो देखो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की अब देखो सिक्सटी प्लस फाइव सिक्सटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी फाइव एटी एटी फाइव अब मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो डिस्टेंस तो इसने कितने कवर की एक्चुअल पाथ की लेंथ तो कितनी होगी एटी फाइव किलोमीटर अब मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो देखो इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट क्या हो गया अब इसका ए नहीं रहा अब क्या हो गया फाइनल पॉइंट बी अब इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस मतलब ए से अब जीरो से अपन बी तक की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको अपन एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू डिनोट करते हैं जैसे कि समझना कोई कोई पर्सन है वो ए पॉइंट से चला इस जगह बी तक ठीक है अब बी से वो इस डायरेक्शन में चला यहाँ फाइव किलोमीटर सॉरी यहाँ फोर थ्री अब अब मैं पूछूं कि सी सी तक ठीक है अब मैं कि इसने इस ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर की तो मैं बोलूंगा सेवन अब मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी उसको मैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू डिनोट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन तो ये जो इस डिस्टेंस की जो लेंथ होगी वही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट तो इसी तरीके से अब यदि मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूँ यहाँ पर वो क्या हो जाएगा थर्टी फाइव किलोमीटर ओके क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये हो गया फाइनल पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये होगी तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ठीक है, ओके अब यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में तो दैट मीन्स तो उसको क्या बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन ठीक है और यदि कोई ऑब्जेक्ट एक अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में तो उसको क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन अस कंसीडर समझना कोई ऑब्जेक्ट है वो देखो वन आवर में थर्टी किलोमीटर चलता है ठीक है और नेक्स्ट सेकेंड आवर में भी थर्टी किलोमीटर चलता है तो देट मीन्स यहाँ थर्टी तो यहाँ सिक्सटी हो जाएगा फिर थर्ड मतलब थर्ड आवर में मतलब वन वन आवर चल रहा है यहाँ पे वन वन तो मतलब वन ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक यू मान लो टू ओ क्लॉक थ्री ओ क्लॉक तो ये भी कितना चला थर्टी किलोमीटर

तो यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है जैसे कि किलोमीटर कर ले, अब यहाँ तो ट्वेंटी में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो दैट मीन इसको क्या बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन ओके डू यू अंडरस्टैंड ओके समझ में आया ओके okay. सो so, अब नेक्स्ट अब स्पीड क्या होती है स्पीड क्या होती है इफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस टेबल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम यदि देखो स्पीड क्या होती है स्पीड 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 बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है स्पीड क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है. और वेलोसिटी में क्या होती है डायरेक्शन होती है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है मैंने बताया था क्योंकि उसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट लिया जाता है और स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है. इसमें डिस्टेंस ठीक है तो दोनों दोनों की यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड बट वेलोसिटी क्या होती है वेलोसिटी क्या है Velocity, vector quantity है और स्पीड स्पीड uh, क्या है यदि मैं बात करूं, average velocity, तो होती होती क्या 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 है 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 देखो average velocity क्या होती है? मतलब ये होता इनिशियल इनिशियल को हमेशा यू से डिनोट किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल तो इनका जो एवरेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज निकाला जाता है जैसे आप मैथमेटिक्स में निकालते हो ना नॉर्मल मैथमेटिक्स वही चीज़ तो ये क्या होगी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी एवरेज स्पीड क्या होती कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा अब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है ठीक है इसने फोर्टी किलोमीटर फोर्टी किलोमीटर थर्टी मिनट में और फोर्टी थ्री किलोमीटर थर्टी सेवन थर्टी सेवन मिनट में और फिर फोर्टी किलोमीटर थर्टी एट मिनट में ये किया, तो तीनों को ऐड करके हम ए, इन तीनों को ऐड करके और इन तीनों तीनों को ऐड करके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे किस में डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस को ऐड करके टोटल टाइम को ऐड करके डिस्टेंस में टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगी ठीक है समझ में आई ये चीज तो ये चीज़ ठीक है तो क्या होता है एवरेज स्पीड क्या to nah, okay? uh, होता है टोटल डिस्टेंस टेबल टू द टोटल टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टोटल टाइम लिया वही क्या होगी एवरेज वेलोसिटी ओके चलो अब एवरेज वेलोसिटी मैंने बता दिया एवरेज होता है Uh, मैंने बताया या ठीक है मतलब कितना displacement कर रही कोई भी object? तो वो फॉर्मूला हो, हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और वेलोसिटी क्या हो जाएगा इनिशियल प्लस वेलोसिटी अपॉन टाइम तो इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम अब देखो डिस्प्लेसमेंट अपन ने यहाँ क्यों लिया ये भी राइट है डिस्प्लेसमेंट क्योंकि क्या होती है वैक्टर क्वान्टिटी होती है और वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर तो एवरेज वेलोसिटी में तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट टोटल और टोटल उसमें कितना टाइम लगा या फिर एवरेज वेलोसिटी क्या देखो इनिशियल वेलोसिटी ये देखो इनिशियल वेलोसिटी ये देखो इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू और यू प्लस वी बाई टू ये नीचे ठीक है तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी ओके अब चलो अब हम आगे बढ़ते हैं वापस और यूनिट दोनों की सेम होती है मीटर पर सेकेंड बस डिस्टेंस डिफरेंस क्या होता है स्पीड में डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ठीक है अब हैं? अब देखो अब आता है बात करते हैं एसेलरेशन की अब एसिलेशन होता क्या है ठीक है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अब देखो यदि मोशन यूनिफॉर्म होगा मान लो कोई ऑब्जेक्ट फाइव मीटर पर सेकेंड या टेन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही तो उसका एसलेशन क्या होता है जीरो सबसे पहले एसलेशन की बात करते हैं एसलेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी कितनी हो हो रही है? के के में, कितनी हो रही है है टाइम टाइम के के अकॉर्डिंग में चेंज वही क्या होगी एसिलेशन जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है जो हम एसलेटर uh, दबाते हैं ना तो इससे क्या होता है स्पीड बढ़ती जाती है तो दैट मीन्स अपन हम लोग क्या कर रहे हैं एसलेशन को चेंज कर रहे हैं या एसलेशन उसको एसलेशन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं ठीक है समझ में आया अब देखो ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी स्ट्रेट लाइन देखो यदि कोई देखो कोई वेलोसिटी टू मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है तो देखो उसका इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी 2 minute, और फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी टू तो टू माइनस टू जीरो और मानो वन वो सेकेंड वो में भी तो जीरो बाई वन क्या हो गया जीरो तो यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो दैट मीन उसका एसिलेशन क्या होगा क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में तभी तभीलेसन एग्जिस्ट करेगा अदरवाइज एसिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एसिलेशन क्या होता है एसिलेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है और एसिलेशन को ए से डिनोट किया जाता है ठीक है और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यूनिट uh, क्या हो जाएगी वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की क्या हो जाएगी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फॉर्मूला क्या हो जाएगी ये काम आएगा आपके ठीक है अब यूनिफॉर्म एसोलेशन क्या होगा यदि कोई एसलेशन क्या होगा यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ठीक है तो वो क्या होगा यूनिफॉर्म एसोलेशन मान लो कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि जैसे मान लो टू फर्स्ट सेकेंड में टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड में फोर सेकेंड में भी टू थर्ड में भी टू इस तरीके से एसिलेशन है तो दैट मीन्स वो क्या हो रहा है यूनिफॉर्म बढ़ रहा है एसलेसन क्या हो रहा है यूनिफॉर्म में इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम यदि वेलोसिटी क्या हो रही है इक्वल चेंज हो रही है माना कि देखो फर्स्ट फर्स्ट टी बराबर वन सेकेंड पे टी बराबर वन सेकेंड पे टी बराबर वन सेकेंड पे आ, कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टू मीटर पर सेकेंड टू सेकेंड पे कितनी होगी फोर थ्री सेकेंड पे सिक्स फोर पे इस तरीके से मतलब बढ़ती जा रही तो हम आ, फर्स्ट मिनट फर्स्ट सेकेंड के लिए हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी क्या है फोर इनिशियल वेलोसिटी टू अपॉन इनका एवरेज टाइम कितना वन सेकेंड तो फोर माइनस टू टू अपॉन वन तो क्या हो गया टू अब इन दोनों के लिए निकालेंगे देखो सिक्स माइनस फोर कितना हो जाएगा टू और अपन वन तो एसलेशन क्या हो रहा है यूनिफॉर्म है यदि वेलोसिटी क्या हो रही कॉन्स्टेंटली चेंज तो हो, 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 uh, हो रही है टू फोर सिक्स एट तो देट मीन्स क्या होगा एसिलेशन भी क्या होगा यूनिफॉर्म आ गया और यदि रेंडमली चेंज हो रही है वेलोसिटी रेंडमली चेंज हो रही है तो देट मीन्स एसोलेशन पर क्या आएगा नॉन यूनिफॉर्म ओके okay. तो इसको क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एसेलेशन तो ये बेसिक चीजें थी जो हमें इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी अब आगे इतना ये नहीं अब अब इन्हीं चीज़ों का हमें यूटिलाइजेशन करना है आगे ठीक है